और मज़ेदार भाई, मज़ेदार सेक्सी। और क्या रिएक्शंस मिलते हैं भाई, इसको आप लेके निकलिए तो मज़ा आ जाता है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं भाई, मेरे सामने खड़ी है जावा की 42 और 2022 एकदम लेटेस्ट एडिशन। तो भाई अगर इसके मैं कुछ स्पेक्स की बात करूं तो सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। तो भाई फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट हेलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है, हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स भी हेलोजन ही आपको मिलते हैं। और नीचे आते हैं तो नीचे आपको देख सकते हैं भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं, और 280mm का आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और फ्रंट टायर्स की बात करूँ तो 90x90 का आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। और रेयर में भाई आते हैं तो रेयर में आप देख सकते हैं आपको MRF का टायर्स मिलता है, 120 सेक्शन का टायर मिलता है, 120x80 का। और भाई काफ़ी मतलब क्रूज़र मोटरसाइकिल में पावर पैक्ड आपको परफॉर्मेंस मिलता है, अभी मैं चलाऊंगा तो उसके बारे में बात करूंगा। डुअल एग्जॉस्ट का आपको सिस्टम मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक आपको इसमें करीब 13.2 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तो पावर मैं चलता हूँ तो बात करता हूँ अभी, तो चलिए इसको चलाते हैं और राइड करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पावर पैक्ड आपको इसमें, मीटर आई थिंक इसका अभी जो है बंद है तो उससे ABS भी भाई काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सेंसर जब मीटर का ऑन होता है तभी ABS भी काम करता है। और एग्जॉस्ट नोट आप इसका सुन सकते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको करीब 294cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। और पावर की बात की जाए तो करीब 26 PS की पावर जनरेट करती है, और लगभग उतना ही आपको टॉर्क भी मिल जाता है। इंजन की जो स्पेक्स है राइट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होंगी। और भाई यहाँ एग्जॉस्ट नोट है भाई, क्रूज़र मोटरसाइकिल में आपको अगर एकदम पावर चाहिए ना अनलिमिटेड तो जावा है भाई। मतलब मैं बहुत फैन हूँ SD की, मैंने चलाई है, ये पहली बार है मैं जावा की कोई भी मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। और पावर देखिए भाई यार, अब बस इसका मीटर जो है वो नहीं चल रहा, मीटर अगर चल रहा होता तो बहुत मज़ा आता, फिर भी हम लोग पूरे मज़े लेंगे इसके। और 182 किलो कॉर्बेट के साथ आती है तो थोड़ी सी हैवी है, बट उतना फील नहीं हो रहा है भाई, इतना पावर है ना तो वो वेट कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा है। ओहो भाई इसको जो खींचने में मज़ा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मज़ेदार भाई मज़ेदार। और अगर पोजीशन की बात करूँ तो एकदम अपराइट बैठा हूँ आराम से, सीट जो है थोड़ी सी स्टिफ लग रही है मुझे और शॉर्ट भी हैं। तो जैसे कि अगर इसके कंपटीटर्स की मैं बात करूँ, रॉयल इनफील्ड और बाकी होंडा हाइनेस आप कह सकते हैं, तो उतनी सीट्स के मामले में ये काफ़ी पीछे है उनसे, सीट्स थोड़ी स्टिफ हैं और शॉर्ट भी हैं। तो अगर पिजियन आपका थोड़ा हैवी है तो यहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत फेस करने को मिले। और बढ़िया भाई ऑल एंड ऑल। भाई मज़ा आ रहा है, और ब्रेक्स भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा सा हैंडल जो है मुझे वाइट लग रहा है, इसलिए मनूवरिंग में थोड़ी सी मुझे ऐसा दिक्कत लग रही है, और थोड़ा सा हैंडल बार ज़्यादा वाइड है, अगर थोड़ा और शॉर्ट रहता तो इसको और मज़ा आता भाई। और आगे का रोड थोड़ा सा खाली और
बढ़िया बढ़िया भाई, काफ़ी मतलब भाई क्या मज़ा आ रहा है इसको, क्या मतलब क्लिकेबल है भाई, बहुत क्लिकेबल है। 182 किलो कहीं भी फील नहीं होता है, बस थोड़ा सा अगर हैंडल बार छोटा होता ना तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आता। आप इस पर भाई आराम से, इसका मीटर भी बहुत बढ़िया है बट अभी काम नहीं कर रहा है। मैं रुकता हूँ तो आपको इसके मीटर की इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। और बढ़िया ब्रेक्स एकदम ऑन पॉइंट, लेवल का क्रश दे रही है। ओहो बढ़िया, तो क्या चलिए भाई अब यहाँ से एक टर्न ले लेते हैं। और भाई पहले रुक के आपको दिखाते हैं सब कुछ। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर और आई थिंक ट्रिप मीटर भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। स्विचेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पास की स्विच, यहाँ हाई बीम लो बीम स्विच की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और बाइक की मतलब बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया हाई बीम लो बीम, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पर हॉर्न, हॉर्न डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्सपोज चेन देखने को मिल जाती है और यहाँ पे 42 का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, स्टिकरिंग नहीं आई थिंक, हाँ ये स्टिकर ही लग रहा है 42 का। और क्या सेक्सी लग रही है भाई यहाँ पे 42 क्लासिक लेजेंड्स, बढ़िया एकदम। चलिए भाई चलते हैं वापस। सबसे पहले न्यूट्रल हो गई, आपको फिर एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं गाइस। और साइड स्टैंड जैसे ही ऑन होता है तो भाई बाइक जो है वो ऑन नहीं होती है और आपको क्लच लेके ऑन करना पड़ता है, तो इसका आप एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेसी, और सीट हाइट देख सकते हैं काफ़ी लो है, दोनों पैर एकदम आराम से आ जा रहे हैं, तो कोई शॉर्ट राइडर है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, भगाते हैं भाई इस बीस्ट को फर्स्ट गियर एंड लेट्स गो। गड्ढे बहुत ज़्यादा और सस्पेंशन की बात की जाए तो थोड़े से स्टिफ लग रहा है मुझे। बड़े गड्ढों में जाती है तो झटका देती है, छोटे मोटे में उतना पता नहीं चलता है। देखिए जैसे कि छोटा गड्ढा है टेस्ट करते हैं, हाँ तो इसमें देखिए पता नहीं चला, थोड़े बड़े गड्ढे आते हैं तो भाई डेफिनेटली आपको पूरा फील होता है एकदम। और मज़ेदार भाई मज़ेदार, सेक्सी, और क्या रिएक्शंस मिलते हैं भाई, इसको आप ले के निकलिए तो मज़ा आ जाता है। ओ भाई इतना बड़ा पॉटहोल, भाई बड़ा इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना मैं इस पर। बस इसका अगर मीटर चल रहा होता ना, सच्ची बता रहा हूँ मज़ा आ जाता आप लोग को देखने में भी और मुझे भी भाई। लेकिन कोई नहीं भाई, बाइक का फील पूरा लेंगे। और चलिए भाई एक बार थ्रॉटल मारते हैं, मज़ेदार भाई, इतनी परफेक्टली मनूवर हो रही है ना कि क्या ही कहा जाए। मैं लग ही नहीं रहा कि एक क्रूज़र मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, आप इसको क्रूज़र में मत ही लीजिए भाई, ये स्पोर्ट्स है एकदम बुरा, बस क्रूज़र का झांसा है। एग्जॉस्ट नोट भाई, और इसका जब आप डीवी किलर हटा देते हैं ना तो ये भाई ऐसे दहाड़ती है कि मज़ा आ जाता है। ऑन डिसेंट है,
है भाई। और मज़ेदार भाई भाई उसका भाई की यहाँ से देख सकते हैं लगता है। और इंजन का कंप्रेशन काफ़ी हाई है इसीलिए थोड़ी सी हीट करती है, लेकिन फ़िलहाल लिक्विड कूल्ड आपको इंजन मिलता है तो उतना खास आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और बाइबरी या बाइबर आप जो भी कह ले उसके आपको डिस्क कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। और इंटीग्रेटेड आपको हज़ार्ड अभी इसमें नहीं मिलता है, अगर वो मिल जाता तो और भी अच्छा रहता। तो गाइस बस ये था एक इसका डिटेल्ड रिव्यू। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, चैनल बनाए तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।